रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बिलासपुर जिले में कोरोना कर्फ्यू के नए आदेशों के तहत जरूरी वस्तुओं के अलावा अब सप्ताह में दो दिन मंगलवार व शुक्रवार को भवन निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। यहां पर ये जानकारी देते हुए उपायुक्त रोहित जम्बाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 6 मई को जारी कोरोना कर्फ्यू को अब 26 मई तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हार्डवेयर की इन दुकानों में सरिया, सीमेंट, जीआई पाइप, टाइल्स व लकड़ी सहित अन्य भवन निर्माण सामग्री शामिल है। इसके अलावा रेत, बजरी व जल योजनाओं की निर्माण सामग्री को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक परिवहन किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जो मजदूर किसी साइट में काम करते हैं वह उसके पास रहते हैं। वहीं अब विवाह शादियों में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी, लेकिन धाम पर प्रतिबंध जारी रहेगा व टेंट व बाहरी कैटरिंग का प्रयोग नहीं होगा। ये शादियां घरों में ही साधारण तरीके से होंगी। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले में लोगों की शिकायत के आधार पर जिन लोगों ने अपने घरों में कुत्ते पाल रखे हैं वह उन्हें सुबह 6 से 7 व साय 5 से 6 बजे तक एक व्यक्ति के साथ घुमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले में कोरोना कर्फ्यू को लेकर लोगों का सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। असर ना पड़े इसलिए ये छूट दी जा रही है, पर अन्य आवश्यक वस्तुओं की तरह ये छूट भी सप्ताह में सिर्फ, जैसे मैंने बताया, दो दिन ही होगी, हर ट्यूसडे और फ्राइडे को, और वो भी सुबह 3 घंटे ही, 8 से 11 बजे तक में दुकानें खुली। इसके अलावा जो है रेत, बजरी और भी जो मिनरल, कंस्ट्रक्शन मिनरल होता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में भी जो है छूट दी गई है। अब ये सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक इनका ट्रांसपोर्टेशन जो है किया जा सकेगा, और इससे जुड़ी जो भी गाड़ियां हैं, जैसे जुड़े लोग हैं, वो जो है कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहूंगा कि क्रशर जो है वो भी ऑपरेट कर सकते हैं इस दौरान, और उनसे भी जो है सामग्री ली जा सकती है। पर ये बहुत जरूरी है कि ऐसे सोर्स को ही जो है ट्रांसपोर्टेशन अलाउ की जाएगी जिनको माइनिंग डिपार्टमेंट से विधिवत रूप से उन्होंने परमिशन ले रखी हो, एम फॉर्म उनके पास जो है अवेलेबल हो। इसके अतिरिक्त जो है लार्ज स्केल मूवमेंट जो है लेबरर्स की, उस पर प्रतिबंध पहले की तरह ही जारी रहेगा। जो हमारे बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें, वहीं पे प्रोजेक्ट साइट पे ही लेबर अवेलेबल रहती है, पास ही में रहती है, तो वो वहीं पे उसी प्रकार कार्य करती रहेगी। परंतु अन्य जगह जहाँ पंचायत के कई कार्य हैं या लोगों के अपने निजी कंस्ट्रक्शन के कार्य हैं, वहां पे लेबर जो है अगर कुछ दूरी तक पैदल जो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहती है तो वो ऑन फुट करने की अनुमति रहेगी, प्रोवाइडेड कि पंचायत एरिया में प्रधान जो है उसकी लिखित अनुमति दें, और शहरी क्षेत्रों में जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे जो है म्युनिसिपल काउंसिल के हैं वो जो है उनसे विधिवत रूप से अनुमति ली गई हो। इसके अलावा कई लोगों से ये भी जो है शिकायत आ रही थी कि जिनके पास अपने पेट्स हैं, डॉग्स इत्यादि, तो उनको जो है कर्फ्यू के दौरान, कोरोना कर्फ्यू के दौरान उनको बाहर ले जाने में जो है दिक्कत आ रही थी। तो अब सभी जो पेट ओनर्स हैं वो अपने पेट को मॉर्निंग 6 से 7 बजे तक या शाम को 5 से 6 बजे तक जो है उन्हें बाहर ले जा सकते हैं। और यहाँ पर ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक पेट के साथ एक उसके ओनर को ही जो है घूमने की इस दौरान छूट रहेगी। इसके साथ ही हमारे जितने भी रेड क्रॉस से जुड़े वॉलेंटियर्स हैं, क्योंकि वो भी कंधे से कंधा मिला के प्रशासन के साथ जो है कोविड महामारी की रोकथाम के लिए अपना अहम सहयोग दे रही हैं, और इस कारण उनको जो है थोड़ा अपनी निजी गाड़ियों में भी ट्रेवल करना पड़ता है, और कई बार जो है काम के सिलसिले में जो होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं उनके पास भी जो है उनको जाना पड़ता है विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने के लिए। तो वो ऐसे सभी हमारे रेड क्रॉस से जुड़े हुए जो
वॉलेंटियर्स हैं उनको भी जो सेक्टरी रेड क्रॉस से पूर्व अनुमति लेने के पश्चात जो है कोरोना कर्फ्यू के दौरान जो है अपनी निजी गाड़ी में या ऑन फुट जो है जाने की अनुमति जो है रहेगी। मैं पुनः जो है कहना चाहूंगा हमें जो है बहुत अच्छा सहयोग बिलासपुर की जो है समस्त जनता से मिल रहा है, कृपया हमें ऐसे ही प्रशासन को सहयोग प्रदान करते रहें और आप लोगों के सहयोग के कारण हम जल्द ही इस कोरोना की दूसरी वेव जो है इसको भी सफलतापूर्वक इससे निपटने में जो है सक्षम रहेंगे। इसी अनुरोध के साथ में आपसे धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।